का टेस्ट अपग्रेड कर। दोस्तों आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन हम सभी के बीच में दो बड़ी फिल्में रिलीज़ करी गई जिसमें से हमारी पहली फिल्म है प्रेम गीत 3 जिसको आज बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए को एक दिन पूरा हो चुका है और हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने दूसरे दिन में कितने करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे फिल्म चुप मूवी के भी सेकेंड डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे कि फिल्म ने अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपये का प्रेडिक्शन बताया। तो दोस्तों अगर आप चुप मूवी और प्रेम गीत 3 के काफी बड़े फैन है तो ऐसे ही बेहतरीन अपडेट जानने के लिए और दोस्तों इन दोनों ही मूवी के पब्लिक रिव्यू देखने के लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें हमारी पहली फिल्म प्रेम गीत 3 की तो यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म है जिसके अंदर आपको प्रदीप सर की काफी बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिलती है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियंस की तरफ से मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। वहीं पर दोस्तों ऑडियंस ने इस मूवी की जमकर तारीफ करी है और जब ऑडियंस को पता चला कि मूवी का बजट इतना ज्यादा कम है तो ऑडियंस ने कहा कि वाकई में काबिले तारीफ मूवी बनी है और मूवी के अंदर कुछ भी VFX यूज नहीं करे गए जिसका फायदा इस मूवी के मेकर्स को देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं ये उन्हें प्रेम की 3 देखने के बाद में पता चला। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मूवी को फाइनली कितनी स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था और संतोष सेन की डायरेक्शन ऑडियंस को कितनी पसंद आई तो आपको बता दें कि जब हमने ऑडियंस से पूछा कि आप इस मूवी को 5 out of कितने स्टार देना चाहेंगे तो ऑडियंस ने इस मूवी को 5 में से 5 स्टार देने की बात कही है। जबकि दोस्तों इस मूवी को वर्ल्ड वाइडली 1700 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया है। दोस्तों संतोष सेन जी की डायरेक्शन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई जिसके चलते दोस्तों फिल्म प्रेम की 3 अपने पहले दिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक कमाते हुए नजर आई। पर दोस्तों फिल्म की जो सेकेंड डे की एडवांस बुकिंग है वह भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिली और दोस्तों एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 15 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है जिससे कहना गलत नहीं होगा कि शायद से प्रेम की 3 अपने सेकेंड डे बड़ी आसानी से 1.5 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग ले सकती है। अब दोस्तों आपकी ओपिनियन क्या है, अगर आप ये मूवी देख के आ गए तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म चुप मूवी की तो दोस्तों ऑडियंस को मूवी काफी ज्यादा पसंद आई जिसके चलते दोस्तों इस मूवी की जो टिकट रेट है वो 75 रुपए होने के बावजूद भी इस मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद करा और काफी सारे बंदे इस मूवी को देखने भी गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुप मूवी के अंदर आपको सनी देओल सर की बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिलती है और फिल्म के अंदर आपको डायरेक्शन देखने के लिए मिलती है आर बाल्की की और इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है राकेश झुनझुनवाला ने। दोस्तों विकिपीडिया के बजट के ऊपर भरोसा मत करना क्योंकि कभी वो विकिपीडिया इस मूवी का बजट 10 करोड़ बताता है तो कभी बताता है 60 करोड़ रुपए। और आपको क्लियरली बता दूं कि इस मूवी का बजट 10 से 12 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी यानी कि को प्रोड्यूस सनी देओल सर कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि चुप मूवी कितने करोड़ रुपए कमा चुकी है तो फिल्म ने अपने पहले दिन का प्रेडिक्शन बताया है लगभग 3.5 करोड़ रुपए का और जिस हिसाब से फिल्म का बज और क्रेज देखने के लिए मिल रहा है और दोस्तों फिल्म ने जो अपने सेकेंड डे की एडवांस बुकिंग करी है वो लगभग है 22 लाख रुपए जिसके चलते यह फिल्म अपने सेकेंड डे लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग ले सकती है। अब दोस्तों आपकी ओपिनियन क्या है कि चुप मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए कमा चुकी है और सेकेंड डे क्या यह फिल्म 2.5 करोड़ की ओपनिंग लेगी या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा अपना और अपने माता पिता का।